हे hey गाइस आज की वीडियो में हम कवर करेंगे रोमन जेकॉब्सन को जिनका एक वर्क है बहुत ही फेमस वर्क है जिसका नाम है टू आस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज एंड टू टाइप्स ऑफ एफेजिक डिस्टरबेंस आज हम इसे अपनी वीडियो में कवर करेंगे सो इट कुड बी अ लॉन्ग वीडियो लेकिन एट द एंड ऑफ द वीडियो आप रियलाइज करेंगे कि आपने अपने टाइम को वेस्ट नहीं किया है सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रोमन जेकॉब्सन को डिस्कस करते हैं तो रोमन जेकॉब्सन जो थे ही वॉज बॉर्न एलेवेंथ अक्टूबर एटीन नाइन्टी सिक्स मॉस्को में एंड ही वॉज ए रशियन लिंग्विस्ट ये रशिया के थे और लिंग्विस्ट थे मतलब कि ये लिंग्विस्ट का मतलब होता है जो लैंग्वेज के स्टडी करती है लैंग्वेज पर वर्क करते हैं वो और ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्मलिस्ट जो एक मूवमेंट था उनमें से भी एक है और इन्होंने बहुत सारे लिंग्विस्ट को लेकर वर्क किया है और इन एक इन्फ्लुन्शियल इंटेलैक्चुअल भी रहे हैं ट्वेंटी सेंचुरी के और ही वॉज डाइड ऑन एटीन जुलाई नाइनटीन एटी टू तो वीडियो में हम कवर करेंगे अफेजिक के बारे में कि अफेजिया क्या है ये जो इनका वर्ड है वो या फिर लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं अफेजिया में अफेजिक्स में पैराडिग्मेटिक सिंटेगमेटिक मेटाफोर मेटोनमी ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से तो सबसे पहले बात करते हैं कि लिंग्विस्ट प्रॉब्लम्स क्या हैं अफेजिया में तो एफेजिया क्या है अगर बात करें प्रॉब्लम्स की तो उससे पहले वी हैव टू नो अबाउट एफेजिया सो इट्स अ लैंग्वेज डिस्टर्बेंस कि अगर आप कुछ बोलते हैं तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स है या फिर स्पीच डिसऑर्डर बोला जाता है इसे तो इनसे पहले एक पर्सन था जिसने इस प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस किया था जिनका नाम था हगलिंग्स जैक्सन लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है जब तक कि इसमें कोई प्रोफेशनल लिंग्विस्ट ना आए उसमें पार्टिसिपेट ना करे जिसे लैंग्वेज के फंक्शनिंग के बारे में पता हो उसका वर्क पता हो कि लैंग्वेज किस तरीके से फंक्शन करती है वर्क करती है तो इसीलिए जो हगलिंग्स जैक्सन थे उनका जो वर्क था उनके जो उन्होंने जो डिस्कशन किया था इससे रिलेटेड वो सक्सेसफुल नहीं हुआ और इसके बाद जो जब है उन्होंने भी इस पर वर्क किया है तो ये जो इनका ये जो इनकी लाइंस है टू एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज ये मेनली एक आर्टिकल था जो कि पब्लिश हुआ था 1954 में और उसके बाद ही ये बहुत ज्यादा फेमस हुए थे या फिर जो इनका ये वर्क है एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क बोला जाता है लिंग्विस्ट में आस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज में सो so, लिंग्विस्ट जो है वो कंसर्न करते हैं लैंग्वेज को उनके हर एक एस्पेक्ट में कि ले सकते हैं जो उसकी जो फील्ड होती है लैंग्वेज उसमें किस तरीके से वर्क करता है हर एक फील्ड में तो जो प्रॉब्लम है फेजिया की अफेजिया जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक लैंग्वेज डिसऑर्डर होता है डिस्टरबेंस होता है या फिर स्पीच डिसऑर्डर होता है तो मेनली इसकी जो प्रॉब्लम्स है वो कौन से दो टाइप्स की होती हैं एक होता है पैराडिग्मेटिक एक्सेस दूसरा होता है सिंटेगमैटिक ये इसके दो टाइप्स हैं लिंग्विस्ट की कमी की कि इसमें क्या, क्या क्या कमी होती है इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है द कैट सेट ऑन द मैट अ डॉग स्टूड ऑन द दार्पेट दोनों सेंटेंस एक, एक तरीके से देखे तो सिमिलर ही हैं एक जगह पे कैट की बात करी है कि वो मैट पर बैठी हुई है एक जगह पर डॉग की बात करी है कि वो एक कारपेट पे खड़ा है अब जो सिंटेगमैटिक होते हैं मेनली पैराडिग्मेटिक और सिंटेगमैटिक में डिफरेंस क्या होता है वो देखेंगे तो जो सिंटेगमैटिक होता है वो लेफ्ट से राइट right की तरफ वर्क करता है जैसे हमारा सेंटेंस होता है जैसे कि हमने लेफ्ट साइड से लिखना शुरू किया और लिखते लिखते हम राइट साइड पर पहुंच गए ये उसी तरीके से वर्क करता है सेंटेंस के हिसाब से चलता है दिया ऑर्डर अकॉर्डिंग टू ग्रामर ये जो सेंटेंस बनाए जाते हैं सिंटेगमेटिक में ये ग्रामर के हिसाब से वर्क करते हैं उनका जो कंस्ट्रक्शन होता है मेनली वो ग्रामर पे बेस करता है कि कहाँ पर सब्जेक्ट आएगा ऑब्जेक्ट आएगा या फिर कोई वर्ब यूज करी जाएगी तो वो इस चीज पर रिलेट करता है और जो पेराडिग्मेटिक होता है जो उसके सेकेंड फेजिया की जो प्रॉब्लम है वो अलग चलती है वो डिप डाउन चलती है ये था सेंटेंस के हिसाब से इसके लेफ्ट टू राइट चलती है पैराडिग्मेटिक की अगर बात करें तो वो नीचे की तरफ चलती है इंटू द एबसेंट पूल ऑफ सब्सटीट्यूशन यहाँ पर बात करिए सब्सिट्यूशन की कि अगर आप एक वर्ड लें तो आप उसके सब्सटीट्यूशन में क्या क्या यूज़ कर सकते हैं उससे सिमिलर वर्ड्स को और या फिर उसके डिफ्रेंसेज हैं जितने भी अवेलेबल वर्डियू होते हैं उस चीज़ के ऐसे जैसे कि फ़ॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कि हमने एक एनिमल की बात करी फ़ोर लेग एनिमल कैट की बात करी लेकिन अगर मैं इसके सब्सटीट्यूशन की बात करूँ तो हम कैट की जगह फोर लेग एनिमल भी ले सकते हैं एक पोसी कैट पुसी वर्ड यूज कर सकते हैं फ्यूसी यूज कर सकते हैं पफी यूज कर सकते हैं तो ये सारे उसके सब्सटीट्यूशन होते हैं तो ये होता है पैराडिग्मेटिक और सिंटेगमैटिक होता है उसको ग्रामर से अरेंज करना किसी भी चीज को अब जो अट्रेंस होता है जो हम बोलते हैं मतलब कि जब कोई वर्ड हम बोलते हैं वो निकलता है हमारे मुंह से तो उसका मीनिंग हमें पता चलता है।, तो है किस चीज़ से हम जब उसके सलेक्शन देखते हैं उसकी वजह से थ्रू सेलेक्शन फ्रॉम द पैराडिगमेटिक एंड द कॉम्बिनेशन ऑन द दिनमैटिक जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दू सिंपल एग्जाम्पल दू पैराडिगमैटिक मतलब होता है कि अगर मैंने रेड कलर यूज किया है अपने सेंटेंस में देन वाई आई चूज रेड मेरे पास पिंक भी था मेरे पास ऑरेंज भी था तो मैंने रेड ही क्यों चूज किया तो ये होता है पैराडिग्मेटिक आपने बहुत सारे वर्ड्स में से किसी एक वर्ड को चूज किया है दैट मीन्स कि वो जो वर्ड है वो कुछ ना कुछ अलग होगा उनसे और अगर मैं सेंटिग्मेटिक की बात करूँ तो यहाँ पे होता है आप उस चीज़ को कैसे अरेंज कर रहे हो मैं कहूँ रेड कलर इज माय फेवरेट कलर तो मैंने उस रेड को एक सेंटेंस में बिल्डअप किया उसमें प्लॉट की तरीके से उसे बनाया तो ये होता है सिंटेगमैटिक तो जब, जब अगर कोई पर्सन कुछ बोलता है तो हम उसे समझ लेते हैं इजिली और हम ये कैसे समझ पाते हैं क्योंकि जो उसका सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है वो हमें बताता है ये दोनों एक्सेज है पैराडिग्माटिक और जो सिंटेग्मेटिक है ये दोनों ही एक्सेज हैं जो साथ मिलकर चलते हैं और जो एड्रेसी होता है मतलब कि जो रिसीवर होता है उसे हेल्प करता है ताकि वो बोले गए सेंटेंस को सही से डिकोड कर सके फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सही से बोलूँ तो जैसे कि आपने कोई सेंटेंस बोला आप मुझसे बात कर रहे हैं आपने मुझसे कुछ बोला तो मैं एड्रेसी हुई आप एड्रेसर हुए जो बता रहा है और मैं एड्रेसी जिसे बोला गया है तो मैं उन सब चीजों को समझ पाऊंगी सही से जब मुझे पता होगा कि जो आपने वर्ड यूज किया है वो क्यों यूज किया है और आपने वो सेंटेंस कैसे बिल्डअप किया है तो मैं आपका जो इंटेंशन है उसे सही से रिकॉर्ड कर पाऊंगी आपके मैसेज को सही से समझ पाऊंगी जैसे कि यहाँ पर सेंटेंस दे रखा है सेलेक्ट कर रखा है कैट ये पैराडिगमेट बिफोर लेग्ड एनिमल का क्योंकि कैट है मतलब कि उसके फोर लेग्स हैं तो हमने कैट ही क्यों सेलेक्ट किया और हमने सेटिंग यूज किया है कि जो कैट है वो सेट ऑन द मैट तो सिटिंग जो है वो सब्सटीट्यूट है स्टैंडिंग का और जो मैट है वो सब्सिट्यूट है सोफा का या बेड का कुछ भी जो भी उसका जो ऑनर है वो टॉलरेट कर सके तो ये सारे उसके हो गए जो डॉग है और स्टैंडिंग है है कारपेट ये सभी है अपोजिट में चल रहे हैं जैसे कि मैंने बोला द डॉग या फिर स्टैंडिंग द कारपेट ये सारी चीजें हैं जो कि फर्स्ट सेंटेंस में हमने यूज नहीं करी द कैट सेट ऑन द मैट इसमें हमने ये सब चीजें यूज नहीं करी डॉग स्टैंडिंग या फिर कारपेट क्यों क्योंकि जो कैट है इट नॉट बी अ डॉग इसीलिए हमने कैट यूज किया और यू सिट एंड स्टैंड टुगेदर ये भी ट्रूथ है कि हम एक साथ दोनों काम नहीं कर सकते हैं और कोई भी सब्सिट्यूट कोई भी हो जाए वो कैट के लिए जैसे कि पफी है फैलिन है मैमल है या फिर सेट के लिए अगर मैं बोलूँ तो क्राउच है रिक्लाइंड है अगर हम ऐसी चीज़ों को यूज़ करते हैं तो सेंटेंस जो है वो थोड़ा सा खराब हो जाएगा वो हमें उस तरीके से मीनिंग नहीं दे पाएगा जैसा हम देना चाहते हैं तो ये दिखाता है कि जो जो कॉप्शन है वो इस चीज़ को फोकस करते हैं कि जो सिंटेग्मेटिक है जो पैराडिगमेटिक है वर्ड्स का सिलेक्शन प्लस जो हम उस चीज़ को अरेंज करते हैं ये कितना इंपॉर्टेंस रखता है एक सेंटेंस के लिए क्रिटिक के लिए अब जो जो कॉप्सन है उन्होंने बोला कि जो एफेजिया है जो एफेजिया के विक्टिम होते हैं जो हमने बात करी डिसऑर्डर होता है इनके अंदर स्पीच डिसऑर्डर तो जो विक्टिम होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम्स होती हैं उन्हें कैसे उनको कैसे कैसी कैसी प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनके पास दो डिसऑर्डर होते हैं वो इन दोनों में हमेशा ही कंफ्यूज रहता है जो पर्सन है वो हमेशा इन दोनों में कंफ्यूज रहता है जो दो डिसऑर्डर की बात करी गई है इन्होंने जेकोप ने दो डिसऑर्डर की बात करी अपने ऐसे में तो जो फर्स्ट इन्होंने बोला है उसे सिमिलैरिटी डिसऑर्डर बोला है और जो सेकंड कॉन्टिग्यूटी डिस ऑर्डर बोला है मतलब कॉन्टिग्यूटी का मतलब होता है कुछ उसके नियरली कोई सब जो वर्ड है वो रिलेट करे समयता निकटता सिमिलैरिटी डिसऑर्डर विक्टिम को रिस्ट्रिक्ट कर देता है जो उसकी वर्ड सिलेक्शन की जो एबिलिटी होती है उसे खत्म कर देता है वो वर्ड्स नहीं सोच पाता दे कैनॉट फाइंड वर्ड्स जब वो कुछ बोलना चाहता है या लिखना चाहता है तो उन्हें बेटर वर्ड नहीं मिल पाता है जनरली हम सबके पास ये एबिलिटी है कि अगर हम अपनी बात करते हैं हम कुछ बोल रहे हैं तो जो हमारी वोकैबलरी है वो एट अ टाइम यूज़ कर लेते हैं हम निकल कर आती है हमें सोचना नहीं पड़ता कि हमें क्या बोलना है हमारे जो वर्ड्स है हमारे अंदर हमारे जो माइंड है उसमें रहते हैं जो पूल है वर्ड्स का जो हमारी वोकेबलरी का एक पूल सा बना हुआ है हमें सोचना नहीं पड़ता हम रैंडम उस चीज़ को यूज़ कर लेते हैं उसे लिख भी लेते हैं हम हम उसमें माइंड नहीं करते हैं हमारा माइंड उसमें वर्क नहीं करता है बट ये जो अफेजिया विक्टिम होते हैं जिन्हें ये प्रॉब्लम्स होती हैं वो कुछ बोलने से पहले बहुत टाइम लगाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं उन्हें बोलना क्या उनके पास सेंटेंस नहीं है ताकि वो अपने सेंटेंस के लिए एक बेटर वर्ड सोच सकें फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ अ लाइन तो मुझे सोचना नहीं पड़ा कि वहां पर एक लाइन है मुझे भागना है से से या फिर आई हैव पेन इन हैंड मुझे नहीं सोचना पड़ा कि ये जो जिस चीज़ से हम लिखते हैं जो ऑब्जेक्ट है जिसमें रिफिल पड़ी हुई है उसे क्या बोलते हैं तो ये हमारी एबिलिटी है लेकिन जो ये विक्टिम होते हैं फैजिया विक्टिम होते हैं उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि ये जो मटीरियल है जिससे लिखा जाता है उसे क्या बोलेंगे तो उसके लिए उन्हें टाइम लगाना पड़ता है और यहाँ पर जो इनकी पावर होती है दे लॉस द पावर टू सेलेक्ट वर्ड्स फ्रॉम द पूल ऑफ द लैंग्वेज उनकी जो एबिलिटी होती है किसी चीज को सेलेक्ट करने की जो पावर होती है वो उस चीज को खो देते हैं इस, अगर वो इस चीज के विक्टिम होते हैं या फिर वो इस चीज से सफर करते हैं और ये जो लोग होते हैं वो कोई भी डायलॉग स्टार्ट नहीं कर पाते हैं लेकिन अगर कोई बात बोल दी गई है तो वो उस चीज को कंटिन्यू कर सकते हैं जैसे कि अगर ये किसी पिक्चर को देखें किसी ऑब्जेक्ट की पिक्चर को देखें जो कि प्रेजेंट है वॉन्स अ पिक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रेजेंट दे कैनोट फाइंड अ परफेक्ट नेम फॉर इट मतलब अगर उनके सामने कोई परफेक्ट चीज आती है कोई ऑब्जेक्ट आता है या फिर कोई पिक्चर दे दी जाती है किसी चीज की तो वो उस चीज का नाम नहीं सोच पाते हैं उस चीज़ को सोच नहीं पाते हैं उसके सिमिलर वर्ड्स नहीं सोच पाते हैं कि वो उस चीज़ को क्या बोले फॉर एग्जाम्पल सडनली आपके सामने एक कार आ जाती है तो आपको नहीं प, आपको नहीं सोचना पड़ता कि वो एक कार है आपको कहाँ से जाना है लेकिन ये जो विक्टिम है वो सोचेंगे वर्ड क्या है इसके लिए क्या यूज करें जिसमें फोर व्हील्स लगे होते हैं उसे क्या बोलेंगे तो यहाँ पर तो एक्सीडेंट हो जाएगा तो मेन लिए इनकी प्रॉब्लम है ये कि परफेक्ट वर्ड नहीं सोच पाते हैं उस टाइम पे उस एट अ टाइम नहीं सोच पाते हैं इसलिए बिकॉज जो नेम होता है किसी भी चीज़ का वो स्पूल के सब्स्टिट्यूशन से सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं जो कि इस चीज़ के विक्टिम होते हैं ये जो एबिलिटी होती है इनकी इस जो इनकी प्रॉब्लम है एफेजिया उसमें आके रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है अब आगे बोलते हैं कि ये जो पेशेंट होते हैं इसके एफेजिया विक्टिम होते हैं इस गैप को फिल करने के लिए इस जो डिस्कोर्स का जो गैप होता है क्वान्टूटी मटेरियल को यूज़ करते हैं जैसे कि अगर उन्होंने कैट देखा है कैट को वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो बोलेंगे कि इट कैच माइस हमें पता चल रहा है ठीक है उन्होंने बोला जो चूहों को पकड़ता है वो वहाँ पर बैठी है वो सिट की जगह बोलेंगे कि जैसे कि यू डू इट टू रेस्ट कि आप जो रेस्ट करने के लिए जो करते हैं वो कैट वही कर रही है अगर अगर मैं कारपेट की बात करूँ तो कारपेट के लिए भी ये यूज़ करेंगे इट्स फॉर कवरिंग फ्लोर तो ये उनका तरीका होता है अगर वो नाम याद नहीं कर पाते हैं नाम सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं सब्सटीट्यूशन नहीं मिलता है उन्हें तो फिर वो ऐसे ही उस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं तो ये जो जेकोब्सन है इनका एक एग्जाम्पल है नाइफ का कि नाइफ को पेंसिल शार्पनर भी कहते हैं एप्पल पर पेरर भी कहते हैं ब्रेड नाइफ भी बोल सकते हैं लेकिन ये सारे ही वर्ड्स अगर हम सेंटेंस में करेंगे तो वो फिट नहीं हो सकते उसमें क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते ना ये कभी आपने सुना होगा कि पीपल फाइटिंग विद एप्पल पेरर ये फिर पेंसिल शार्पनर तो फिर ये चीजें सेट नहीं होती और हो, सेंटेंस उससे खराब हो जाता है ये जो आर्टिकल पब्लिश हुआ था जयकोबसर का ये एक अच्छा एग्जांपल है इसलिए ताकि हम सही से समझ सकें कि जो एक्चुअल फंक्शनिंग है किसी भी चीज़ की किसी चीज़ को समझ पाने की वो कैसे होती है क्योंकि जब कोई प्रॉब्लम होती है हमें तभी समझ में आता है कि हमारी एबिलिटी कितनी अच्छी है जैसे कि वेन यू स्टार्ट हैविंग अ पेन इन योर आइज़ तब आप रियलाइज़ करेंगे कि हाउ द आइज परफेक्टली वर्कस नहीं तो आपको उसकी वैल्यू नहीं पता है लेकिन अगर आपकी आंखों में पेन है तब आपको समझ में आएगा कि जब आपकी आंखों में पेन नहीं था तो आपकी आंखें कितनी परफेक्ट तरीके से वर्क करती थी तो मेनली इसमें यही बताया गया है जो सिमिलैरिटी डिसऑर्डर है कि ने जो वर्ड्स हैं उन्हें पकड़ने में या फिर जो वर्ड्स हैं उन्हें सेलेक्ट करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है अब आती है सेकेंड डिसऑर्डर की जिसका नाम है कॉन्टिग्री डिसऑर्डर जिसे हिंदी में बोलते हैं निकटता या समीपता या फिर क्लोज अप्रॉक्सीमेशन तो ये उस चीज के अपोजिट में वर्क करेगा जैसे सिमिलैरिटी डिसऑर्डर वर्क करता है कॉन्टिग्यूटिव डिसऑर्डर उसके अपोजिट में वर्क करता है ये जो अफेजिक विक्टिम होते हैं जो जिनको कॉन्टिगटिव डिसऑर्डर होता है ये लिंग्विस्ट एलिमेंट को कंबाइन करने की एबिलिटी को खो देते हैं मेनली हमने बात करा सिमिलैरिटी डिसऑर्डर में कि वो जो पेशेंट होते हैं जिन्हें ये प्रॉब्लम सिमिलैरिटी डिसऑर्डर होता है वो वर्ड्स की एबिलिटी को खो देते हैं वो वर्ड्स सेलेक्ट नहीं कर पाते लेकिन जो कॉन्टिग्रटेड डिसऑर्डर होता है इसमें जो विक्टम है जो वो कंबाइन करने की एबिलिटी को खो देता है इनकी जो ग्रामर है वो फेल हो जाती है उन्हें फेल कर देती है वो बस वर्ड्स के ढेर को एक्सप्रेस कर पाते हैं लेकिन उन्हें कंबाइन करके सेंटेंस नहीं बना पाते हैं जैसे कि जो एग्जाम्पल था यहाँ पर द कैट सेट ऑन द मैट अगर किसी को कॉन्टिग्री डिसऑर्डर है, है तो फिर वो इस चीज को नहीं बोल पाएगा वो चाइल्ड की तरीके से बोलेगा मरोबर करेगा वो पहले सेट बोल सकता है बाद में मैट बोल सकता है या फिर वो बाद में सबसे लास्ट में कैट बोल सकता है सेट द मैट कैट ऑन द ऐसे इस तरीके से उसके वर्ड्स होते हैं जो आप आगे पीछे उथल पुथल मचाकर सामने आते हैं और किसी भी वर्ड की जो ग्रामर है वो सही नहीं होती है मेनली लिए ही शी इट एंड बट ए एंड किसी भी वर्ड को कहीं पर भी यूज कर लेते हैं वो उनका कोई ग्रामर तरीके से मतलब निकल कर नहीं आता है ये बच्चों की तरह हो जाते हैं टोटली जैसे बच्चे बिहेव करते हैं टूटे फूटे वर्ड सेंटेंस बोलते हैं उनकी कोई ग्रामर नहीं होती जब वो छोटे होते हैं सेम तरीके से ये जो विक्टिम होते हैं कॉन्टिक्यूटिव डिसऑर्डर के ये भी इसी तरीके से बोलते हैं और मेनली अगर ये बोलते भी हैं सेंटेंस तो बहुत ही छोटे सेंटेंस बोल सकते हैं यहाँ तक कि इतना छोटा सेंटेंस हो सकता है कि वो किसी चीज़ का आंसर सिर्फ वन वर्ड में दे जैसे कि किसी ने पूछा कैट कहाँ है या फिर वो क्या है तो वो वहां पर सिर्फ सिंगल वर्ड बोलेंगे कैट कि जो भी क्वेश्चन था उसका एक आंसर होगा सिर्फ कैट क्योंकि वो उस चीज़ को अरेंज करने में जो उनकी एबिलिटी है वो खराब हो गई है वो उस चीज़ को अरेंज नहीं कर पाते हैं अब कॉन्टिग्युटी डिसऑर्डर में सेकेंड चीज़ इन्होंने दिखाई है कि जो वर्ड्स एग्जिस्ट होते हैं या नहीं होते हैं इन्हें ये प्रॉब्लम होती है अगर कोई एफेजिक है जिससे कॉन्टिग्युटी डिसऑर्डर है तो उसे ये समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा या फिर वो समझ नहीं पाता है कि कौन से वर्ड्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं या फिर नहीं करते हैं तो एफेजिक नीड टू अंडरस्टैंड द वर्ड बिफोर द अटरिट वो जब कोई वर्ड बोलते हैं उससे पहले उन्हें समझने की ज़रूरत पड़ती है उस वर्ड को अगर मैं कार बोलती हूँ तो मुझे कार को समझने की ज़रूरत नहीं पड़ती है क्योंकि मुझे पता है कार का मतलब क्या होता है जिसमें फोर व्हील्स हो और जो ट्रांसपोर्ट में यूज़ हो लेकिन उन्हें उस चीज़ को समझने की ज़रूरत होगी अब इसमें फ्रेंच एफेजिक की अगर हम बात करें तो ये कैफे को ईजिली बोल लेंगे अगर हम कैफे वर्ड का यूज़ करें तो फ्रेंच का जो पर्सन है वो उसे ईजिली बोल लेगा क्योंकि उसे समझता है ही अंडरस्टैंड देट वर्ड लेकिन अगर सेम वर्ड को अगर हम बोलें किसी और को अगर हम बोलें कि फेस बोले फेका बोले कैफा बोले या फिर पेस बोले तो वैसा नहीं बोल पाएगा वैसा बोलेगा भी नहीं ना ही प्रोनाउंस करेगा क्योंकि उसे पता है कि सारे ही जो वर्ड्स हैं नॉ ये नॉन सेंसिकल हैं उसे नहीं बोलेगा लेकिन अगर कोई नॉर्मल स्पीकर है हम उसे सेम वर्ड्स बोलें कि आप उसे प्रोनाउंस करो तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा और उसे प्रोनाउंस करने की कोशिश करेगा ये सोचकर कि शायद ये वर्ड्स उसकी जो अप्रोच है उससे बहुत ज़्यादा बाहर है ये एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन शायद उन्हें पता नहीं है तो इसीलिए इनकी जो कन्फ्यूजन होती है कि कोई वर्ड एग्जिस्ट करता भी है या नहीं करता है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एक गेम होता है कॉल माई लव लव का मतलब होता है बेवकूफ़ बनाना इसमें जैसे दो टीम होती है ए टीम अगर आप लें और टीम बी लें तो टीम ए का एक पर्सन कोई वर्ड सेलेक्ट करेगा और उसके टीम के बाकी पर्सन मतलब कि टीम ए के बाकी पर्सन उस वर्ड को लेकर अब अलग अलग डेफिनेशन देंगे उनमें से सिर्फ एक डेफिनेशन सही होगी और जो टीम बी है उसे ये गैस करना होगा कि जो वर्ड बोला गया है उसकी सही डेफिनेशन क्या है या फिर वो वर्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं अब जिसको ये प्रॉब्लम होगी जो कॉन्टिग्यूटिव डिसऑर्डर है वो होगा वो उस गेम को कभी भी नहीं जीत सकता है क्योंकि उनकी कंफ्यूजन तो यहीं से स्टार्ट होती है कि वर्ड्स हैं या नहीं है अब हम बात करते हैं इस आर्टिकल के सेकेंड पार्ट की जहाँ पर इन्होंने बात करी है मेनली दो आस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज की मेटाफोर और मेटोनोमी की तो जेकोब्सन के आर्टिकल का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये जिसमें इन्होंने इसकी बात करी है यहाँ पर इन्होंने टू टाइप ऑफ एफाइजिया दिखाया था फर्स्ट में दिखाया था अब यहाँ पर है टू डिफरेंट टाइप ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज फिगर फिगर मतलब कि ऑफ स्पीचेस जो होती हैं उनसे लिया गया है तो यहाँ पर मेटाफर और मेटोनमी की बात करी गई है तो ये एक फंडामेंटल अपोजिट पोल्स है एक अगर आगे वर्क करेगा तो एक पीछे वर्क करेगा मेटाफर मेनली क्या होता है सिमिलैरिटी बिटवीन टू थिंग्स और अगर हम मेटोनमी की बात करें तो ये होता है कॉन्टिग बिटवीन टू थिंग्स मतलब कि निकटता किसी भी दो चीजों की जब हम अनकॉन्शियसनेस को पढ़ते हैं उसको स्टडी करते हैं तब इसे कंडेंसेशन एंड डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं अगर हम लिंग्विस्ट की बात करें तो इसमें इसे पैरिग्मेटिक एंड सिंटेगमेटिक बोल्स बोलते हैं तो ये जो ऐसे था इन हिज ऐसे जो पब्लिश हुआ था इसमें इन्होंने बताया है कि ये जो कपल है ये जो मेटाफर मेटोनमी का जो कपल है ये पॉसिबिलिटी को दिखाता है कि, कि किसी भी लिंग्विस्ट का जो वर्ड सेलेक्शन है मेटाफर का और जो उसने कंबाइन किया है वो कैसे हुआ है इनका ये वर्क एक इम्पॉर्टेंट चीज थी क्योंकि इसने बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस किया था जैसे कि क्लॉड लेविस्ट्रॉस को रोलैंड बार्थ को जिकोब ने अपने ऐसे में आर्ग्यू किया है कि जो मेटोफर है वो लिटरेरी जो रोमांटिसिज्म हुआ था सिंबोलिज्म हुआ था उस टाइम की जो पोइट्री हुई थी उसका एक बेस था

कि जो उसके अंदर रखा पानी है वो बॉयल हो रहा है तो हमें पता चल गया कि पोर्ट बॉयल नहीं होता है इसका सब्सटिट्यूट मतलब कि जो कंटेनर है जो पोर्ट है वो अलग है उसके लिए सब्सटीट्यूट आ गया कंटेंट जो उसमें पानी रखा गया है और अगर हम मेटाफर की बात करें तो मेटाफर सिमली की तरह वर्क करता है और सिमली से डिफरेंट भी होता है जैसे कि ही इज अ लायन यहाँ पर ही को रेफर किया गया है लॉय से जहाँ पर ये इनफेक्ट अ है लेकिन अगर हम सिमली की बात करें तो ही इज लाइक अ लॉयन लाइक वर्ड यूज किया है कि मतलब ही रेफर्ड कर रहा है लाइक अ लॉयन वो लाइन है नहीं लेकिन उसे रेफर कर रहा है तो यहाँ पर दो चीज़ें सिमिलर नहीं है मेटाफर और जो सिमली है उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है लेकिन जो जेकॉप्सन है उन्होंने कहा कि ये दोनों चीजें ही सेम मानी है उन्होंने अगर मैं बात करूँ मेटाफर में तो मैसेज गया है ही इज अ लाइन मतलब कि वो जो पर्सन है बहुत ब्रेव है अगर मैं सिमली की बात करूँ ही इज लाइक अ लॉयन

आपको वीडियो पसंद आई होगी कंसेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू